गाइस, कई बार आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि जब हम किसी मॉल या फिर रिटेल स्टोर पर कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो उनके प्राइस टैग कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे 99 रुपया या फिर 199 रुपया या फिर 999 रुपया। लेकिन ये 99 का चक्कर क्या है? दुकानदार आखिर सामान की कीमत 1 रुपये घटा कर क्यों बेचता है, जबकि इन सबको फिक्स प्राइस भी तो कर सकते हैं, जैसे 100 रुपया, 200 रुपया या फिर 1000 रुपया। 1 रुपया भेजने की फिर जरूरत भी नहीं पड़ती। तो आइए हम इस वीडियो में यही जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश, आप देख रहे हैं लवली वर्ल्ड। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें ऐसे ही शानदार नॉलेज की वीडियो देखने के लिए। तो आपको हम बता रहे हैं कि 1 रुपये कम सेट करने से सेलर को 2 बड़े फायदे होते हैं। पहला ये कि किसी सामान के प्राइस 1 रुपये कम करने से ग्राहक पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। ये हमारे दिमाग पर डायरेक्ट असर करता है और ग्राहक उस सामान को खरीदने के लिए आकर्षित हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी मॉल में शर्ट का प्राइस टैग 1299 रुपया है। अगर आप ध्यान देंगे तो हम किसी नंबर को बाएं से दाएं की तरफ रीड करते हैं ताकि उस नंबर का रेंज पता चल सके। कुछ लोग यहाँ शर्ट की कीमत 1300 रुपये समझ कर खरीदेंगे तो कुछ लोग इस शर्ट की कीमत 1200 रुपये समझ कर खरीदेंगे, और सेलर या फिर दुकानदार को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर पहला कारण ये निकलता है कि यह ग्राहक को मनोवैज्ञानिक तरीके से आकर्षित करने के लिए ऐसा किया जाता है। दूसरे कारण की अगर बात करें तो 1 रुपये कम प्राइस सेट करने से सेलर का ही फायदा होता है, क्योंकि जब हम किसी 1 रुपये कम वाली यानी 999 रुपये का कोई सामान खरीदते हैं तो ज़्यादातर केस में हम 1 रुपया वापस नहीं लेते हैं। हम यह सोच कर छोड़ देते हैं कि 1 रुपये का सामान लिया है तो 1 रुपये लेकर क्या कर लेंगे। कुछ सेलर 1 रुपये के नाम पर पुअर क्वालिटी के चॉकलेट भी दे देते हैं जिसे हम नहीं लेते हैं। आपको बता दें कि हमारे 1 रुपये न लेने से ब्लैक मनी भी बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे किसी कंपनी के इंडिया में 200 रिटेल आउटलेट हैं और हर आउटलेट पर दिन में 100 ग्राहक अपना 1 रुपये वापस नहीं लेते हैं, तो इस तरह से एक साल में उस कंपनी को 73 लाख रुपये ब्लैक मनी जमा हो जाएंगे। इन रुपयों का किसी भी बुक या फिर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। इस तरह की प्राइस टैगिंग ऑनलाइन शॉपिंग साइट में ही होती है। हालांकि यहाँ पर पहला कारण ही काम करता है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग साइट में किसी भी सामान के 1 रुपये कीमत होने से ग्राहक आकर्षित होते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा कारण काम नहीं करता है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में साइट पर पूरा पेमेंट होता है, यहाँ पर किसी भी 1 रुपये छोड़ी नहीं जाती। तो अब तो आप जान ही गए होंगे कि किसी सामान की कीमत 1 रुपये कम या फिर जैसे 99 रुपया या फिर 199 रुपया क्यों रखा जाता है, और आपको पता चल गया होगा कि 1 रुपये कम करने से ग्राहक या फिर दुकानदार को क्या घाटा या फिर नुकसान होता है। आपको ये फैक्ट कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।